in chapter 1 chemical reactions and equations module 4 chemical equations. Hello friends, अब तक हम chemical reactions और उनके features के बारे में discuss कर चुके हैं. I hope आपको समझ आया होगा. इस module में हम केमिकल रिएक्शंस को लिखना सीखेंगे और समझेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई, तो हम उस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? ऑब्वियसली सेंटेंस के फॉर्म में, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए हम उसे सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे अगर हमें जिंक ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच की केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस करनी है, तो हम लिखेंगे जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत ही लंबा सेंटेंस है, बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है. एक रिएक्शन को बताने के लिए इतना लंबा सेंटेंस बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है. और अगर हमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना हो, तो बहुत सारे सेंटेंसेस लिखने होंगे. तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस को सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है. इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए उन सब्सटेंसेस को जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड होते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्या किया जाता है? सब्सटेंसेस को सिंबल्स और फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. समझ आया आपको क्या होती है केमिकल इक्वेशन? द केमिकल इक्वेशन इज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड. तो क्या है केमिकल इक्वेशन, एक बार फिर से देखें. केमिकल इक्वेशन इज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड. फ्रेंड्स, जब केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो वो वर्ड इक्वेशन कहलाती है. When the chemical equation is written in word form, it is called word equation. For example, zinc और sulfuric acid की reaction को अब हम इस तरह से लिख सकते हैं. Zinc plus sulfuric acid forms zinc sulfate plus hydrogen gas. और ये reaction लिखने का simplest way है, सबसे सरल तरीका है. यहाँ पर हमने केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स में लिखा है, और इसीलिए ये वर्ड इक्वेशन है. अभी आपने वर्ड इक्वेशन देखी, लेकिन इसे लिखते कैसे हैं? इसके लिए हम सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं. पहला है रिएक्टेंट्स, वो सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिएक्शन के दौरान जिन सब्सटेंसेस में केमिकल चेंज होता है, उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं. तो क्या होते हैं रिएक्टेंट्स? द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. या फिर द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर रिएक्टेंट्स. और फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, तो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, है ना? इन न्यू सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? इन न्यू सब्सटेंसेस को कहते हैं प्रोडक्ट्स.
तो क्या होते हैं प्रोडक्ट्स? द न्यू सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी जो नए सब्सटेंसेस किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाली केमिकल रिएक्शन में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इन्हीं में केमिकल चेंज होता है, और दैट इज व्हाई इस रिएक्शन में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट्स हैं। और जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से बनता क्या है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो दो नए सब्सटेंस बने हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये क्या है? ये हैं प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको याद होगा हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली एक एक्टिविटी की थी। रिकॉल करिए और बताइए कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। मैग्नीशियम रिबन को जब एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो एक वाइट पाउडर, वाइट एश बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हुए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब फ्रेंड्स, आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो समझ ही गए होंगे, तो चलिए अब हम देखते हैं कि वर्ड इक्वेशन को लिखते कैसे हैं और समझते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वर्ड इक्वेशन में। सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स के नाम लिखते हैं। रिएक्टेंट्स के नाम को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। एक से ज्यादा रिएक्टेंट होने पर उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते जाते हैं। इसके बाद एक एरो बनाते हैं। हेड की तरफ प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, यानी प्रोडक्ट के नाम हमेशा एरो के राइट हैंड साइड की तरफ होते हैं। और प्रोडक्ट के एक से ज्यादा होने पर उनके बीच में भी हम प्लस का साइन लगाते हैं। तो समझ आया आपको कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कैसे लिखते हैं? वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड। और वर्ड इक्वेशन या कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते समय रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो लगाया जाता है, जो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में चेंज होना रिप्रेजेंट करता है। क्या समझा हमने कि कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते समय रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो लगाया जाता है, और ये एरो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में चेंज होना रिप्रेजेंट करता है। एन एरो रिप्रेजेंट्स चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल इक्वेशन। और फ्रेंड्स, एरो का जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ और टेल रिएक्टेंट की तरफ होती है, और इस तरह से एरो हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है। अब फ्रेंड्स, हमें शो करना है कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। यहाँ पर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्टेंट्स हैं, तो उन्हें हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे और एक एरो लगाएंगे, और एरो का हेड होगा प्रोडक्ट्स की तरफ, यानी लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट की तरफ। यानी राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि प्रोडक्ट्स हैं। यानी हम रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखेंगे, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड एरो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम
नाइट्रेट। ये समझ आया आपको? गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। यानी हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से कंबाइन करके रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है। आप इसका वर्ड इक्वेशन लिखो। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्टेंट्स हैं और कंबाइन करके कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं? अमोनिया। तो कैसे लिखेंगे इस वर्ड इक्वेशन को? हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। एरो बनाएंगे, हेड को राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे, लिखेंगे अमोनिया। तो समझ आ गया आपको कि कैसे हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं? वेरी गुड। तो चलिए, अब हमने इस मॉड्यूल में जो भी कुछ पढ़ा है मेन पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस मॉड्यूल में सबसे पहले पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन इज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड। व्हेन द केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन वर्ड फॉर्म इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। और इसके बाद हमने समझा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। The substances that take part in a chemical reaction are called reactants, and the substances that are formed during a chemical reaction are called products. An arrow represents change of reactants into products in a chemical equation. The arrow shows the direction of the reaction. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आप एक्सरसाइजेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइजेस, और एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स को जरूर अपने नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।